Hello everyone! Welcome to my channel. Today we are going to study 16th chapter of your EVS book, Our Celestial Neighbors. So, what are celestial neighbors? The things we see in the sky are celestial neighbors like moon, sun, and stars. These things we see in the sky. So, we will study about them.

Most stars are so far away that we cannot see them at all. कुछ स्टार्स हमसे इतने दूर हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं ठीक है तो next है सन is sun. The sun is the largest star which is nearest to the earth in the solar system. और ये एक ऐसा स्टार है जो नियरेस्ट है इसलिए हमें सन इतना बड़ा दिखाई देता है और जो बाकी स्टार्स हैं दे आर वेरी फार सो so, हम उनको बहुत छोटा छोटा देख सकते हैं दिस इज़ द ओनली स्टार वी कैन नॉट सी एट नाइट ये एक ऐसा स्टार है जिसे हम नाइट में नहीं देख सकते क्योंकि सन से ही हमारे प्लानट पे डे होता है और सन के ना होने पे हमारे प्लानट पे नाइट होती है और सन की जो लाइट होती है उसकी वजह से हमें जो छो दूर स्टार्स हैं उनकी विजिबिलिटी नहीं रह जाती है इसलिए हमें ओनली सन डे टाइम में दिखाया जाता दिखाई देता है एंड बाकी जो स्टार्स हैं वो हमें नाइट टाइम में दिखाई देते हैं इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर विच गिव अस हीट एंड लाइट ये एक बिग बॉल ऑफ फायर है आप हीट महसूस करते होंगे जब भी आप धूप में जाते हैं सन लाइट uh, में जाते हैं तो आप फील करते होंगे कि उससे हमें हीट आ रही है वाई बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ फायर सो इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर विच गिव अस हीट एंड लाइट ओके ड्यूरिंग डे टाइम वी कैन नॉट सी द अदर स्टार्स As they become hidden in the bright daylight. Thus, the other stars are visible at the night time only. Now, next topic is moon. First of all, did you know? The solar system consists of sun. एंड ऑल एट प्लान दैट मूव अराउंड एट सोलर सिस्टम में एज यू ऑल नो देर आर एट प्लान ठीक है दिस इज सन एंड अराउंड इट्स देर आर एट प्लान विच रिवॉल्व अराउंड द सन ओके एट प्लान हैं ऐसे है, जो सन सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं

Okay, I'm loving this. See, the light is only falling on my front side. This is day. Now go behind me and see. Oh, yes, this part is dark. So this is night. Now, this is night on your front half. And day on this back part. Night here now. When the earth rotates from west to east, only half of it faces the sun. This half, which faces the sun, has day. And the other half, that does not get sunlight, has night. When the earth rotates, day changes to night, and night changes to day. So, the rotation of the earth causes day and night. Thus, whichever part of the earth faces the sun, the people of that part only are able to see the sun and they have day. So, हमने क्या देखा कि जो part sun को face करता है earth का जो part sun को face करता है like if it is sun and ये earth है तो इसका जो part sun की rays पड़ रही है वहां पर डे होगा और जो अदर साइड है वहां पे होगी नाइट द अदर पार्ट विच इज अपोजिट टू द सन हैज नाइट वी स्टडी स्टार्स विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप हम स्टार्स के बारे में कैसे पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ओके द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट है यानी जो अर्थ के चारों तरफ जैसे सन के चारों तरफ अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसी तरह ये अर्थ है और इसके चारों तरफ मून रोटेट करता है ठीक है इसलिए ये इसकी एक सैटेलाइट है दिस इज नॉट अ प्लैनेट एंड दिस इज नॉट अ स्टार ओके तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की इट इज़ आर क्लोजेस्ट नेबर और सबसे स्काई uh, में जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं मून uh, उससे सबसे क्लोजेस्ट है इट इज मच स्मॉलर इन साइज देन आर अर्थ और ये हमारी अर्थ से छोटा है द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती ये सन की जो लाइट इस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है इस वजह से हमें इसमें एक शाइन दिखाई देती है इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दिस लाइट इज कॉल्ड मून लाइट और जो लाइट हमें मून से मिलती है उसे हम कहते हैं मून लाइट नेक्स्ट इज डिड यू नो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द मून मैन टू स्टेप ऑन द मून इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन सो ऐसा आदमी जिसने पहली बार मून पे स्टेप किया वो था नील आमस्ट्रॉन्ग कौन से ईयर में किया था 1969 में अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2020 ओके okay. तो 1969 में नील ट्वेंटी चांद पर गए थे द स्मॉल डिप्रेशन सीन ऑन द मून आर नोन एज क्रेटर्स मून पे कुछ डिप्रेशन दिखाई देते हैं जैसे ये चांद में है इसमें आपको यहां पे कुछ डार्क एरिया दिखाई दे रहा है जब हम देखते हैं मून तो हमें कुछ एरिया बहुत ब्राइट चमकता हुआ दिखता है कुछ कम ब्राइट होता है वो क्यों होता है क्योंकि उसमें मून में इस तरह से गड्ढे बने हैं ठीक है ठीके? और वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती सन की प्रॉपरली तो वो हमें उतना अच्छा शाइन करता हुआ नहीं दिखता है इसलिए वो इस तरह से स्पॉटेड दिखता है तो इसको हम क्या कहते हैं क्रेटर्स दीज आर क्रेटर्स द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ हमने अभी पढ़ा कि मून अर्थ को रिवॉल्व करता है इट चेंजेस इट्स शेप्स डेली ऑन द नाइट स्काई दीज आर कॉल्ड फेसेस ऑफ मून तो ये क्या है फेसेस ऑफ मून है ये कैसे फॉर्म होती है इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो अटैच कर रही हूँ आप वो देख लीजिए The moon keeps on changing its shape because of its revolution around the earth. The different shapes of the moon are called the phases of the moon. Phases of the moon. The moon shines because it reflects the light from the sun. The part of the moon facing the sun is always lit up, and the part facing away from the sun is in darkness. So, it is like a torchlight falling on one side of a soccer ball, right? Yes, you are correct, Blum. Now look carefully. Phase 1 is called the new moon. In this phase, we cannot see any part of the illuminated half of the moon. Phase 5 is the full moon, beautiful and poetic. Once in a month, we see a full round shaped moon. हमें मंथ में एक बार इस तरह से पूरा मून दिखाई देता है. The night sky fills with the moonlight और उस टाइम क्या होता है? पूरा sky moonlight से fill हो जाता है. दिस नाइट इज कॉल्ड एज फुल मून और पूर्णिमा इसे फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं वंस इन अ मंथ वी डू नॉट सी द मून एनीवेयर मंथ में एक बार ऐसा भी होता है जब हमें मून कहीं भी दिखाई नहीं देता द नाइट स्काई फिल्स विद द टोटल डार्कनेस दिस नाइट इज कॉल्ड एज न्यू मून और अमावस्या तो ऐसे टाइम में हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है और इसको क्या बोलते हैं न्यू मून और अमावस्या Did you know? A sun sun. Sun sun dial dial tells the 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 time time on basis of of position position ek based वो ऐसे होता है और us pe sun की rays पड़ती hain और उसकी यहाँ पे शेडो आती है ठीक है जब भी हम चलते हैं धूप में तो हमें हमारी शेडो दिखाई देती है ना तो उसकी हेल्प से सन डायल हमें टाइम दिखाता है शेडो ऑन द सन डायल हेल्प टू नो द टाइम ऑफ द डे ठीक है इज द सन अ स्टार और अ प्लानट सन एक स्टार है या प्लानट है हमने अभी पढ़ा कि सन इज अ स्टार ओके इज द मून अ स्टार नो मून इज नॉट अ स्टार मून इज अटेलाइट मून इज अचुरल सैटेलाइट Now we have studied about craters. Depressions on the moon surface are called craters. Moonlight: the moon reflects the light of the sun. This light is called moonlight. Now these are these are things to remember. Stars are very far away from us. The sun gives us heat and light. The sun is the closest star to the earth. The moon is the earth's only natural satellite. It it's shape as it moves around the Earth. Now, children, we will do our exercises and question answers in our next video. So, if you like this video, please like, share, and comment. And please subscribe the channel also. Thank you.